जय श्री राम का नारा लगाते हुए बहुजन शोधार्थी को मारने वाले कोई और लोग नहीं, ये भाजपा के छात्र संघ के यानी एबीवीपी के लोग हैं। ये घटना महाराष्ट्र के वर्धा यूनिवर्सिटी की है, जहां पर एक छात्र जिसका नाम रजनीश कुमार है, वह पीएचडी के मूल्यांकन की मांग कर रहा था और एबीवीपी के गुंडों ने आकर उसके साथ लड़ाई कर ली, मारपीट कर ली। ये घटना के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में इस तरह की घटनाएं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में भी हुई थी, जहां पर सांप्रदायिकता हुई थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। कुछ बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक मुस्लिम वार्डन को निरस्त करवा दिया था। इस तरह की घटनाएं जेएनयू, एएमयू और इस तरह के संस्थानों में होते रहते हैं, लेकिन जो जिस घटना के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ये घटना महाराष्ट्र के वर्धा यूनिवर्सिटी की है, जहां पर पीएचडी की मूल्यांकन की मांग कर रहे एक छात्र, बहुजन समाज के एक छात्र रजनीश कुमार के ऊपर एबीवीपी के गुंडों ने हमला कर दिया। और ये हमला सुनियोजित बताया जा रहा है, यानी पहले से डिसाइड था कि यहां पर जाके इस तरह का विवाद किया जाना है। ये रजनीश भैया ये और आपको कोशिश की जाएगी गेट के तरफ। इस घटना पर हम बातचीत करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र संगठन असुर के अध्यक्ष से। बहुत बहुत स्वागत है मंजेश जी। मंजेश जी, ये जो मामला है वर्धा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एबीवीपी के सदस्यों ने एक बहुजन समाज के छात्र को बेरहमी से पीट दिया है। वो छात्र था जिसका नाम रजनीश कुमार अंबेडकर है, वो अपने पीएचडी थीसिस की मांग कर रहा था और एबीवीपी के कुछ सदस्यों ने आकर उसे बेरहमी से पीट दिया। इस पर आपकी क्या राय है, क्या वजह दिख रही? देखिए अर्णव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा कि आपने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, आप जिसको एबीवीपी के सदस्य कह रहे हैं उनको सदस्य कहना सरासर गलत है, उन्हें तो गुंडा कहना सही पड़ेगा, क्योंकि गुंडा और कायर कि चंद लोगों के ऊपर मुंह बांध करके और एक भेड़िए की तरह झुंड बांध करके किसी पे हमला करना, ये कायरता की निशानी है। और इस मैटर की बात करें तो 31 मार्च को ये हमला हुआ है और ये महाराष्ट्र के वर्धा यूनिवर्सिटी का मामला है। वहां के एक पीएचडी स्कॉलर रजनीश कुमार अंबेडकर, जो कि अपने थीसिस के मूल्यांकन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, जो कि एक जायज मांग है, उसको लेकर के पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, केवल एबीवीपी नहीं, वहां का विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसमें संलिप्त है, कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है, क्योंकि वो छात्र पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनका हाल चाल लेने या उनके आंदोलन की जो है क्यों आंदोलन कर रहे हैं ये चीज पूछने के लिए नहीं आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी मिली भगत है, प्रशासन और एबीवीपी के गुंडों ने मिल करके उस छात्र को पीटा है, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, ये देखने को ये भी मिल रहा है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भगदड़ की एक तस्वीर सामने आई है, उसमें कुछ लोग हैं जो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। मतलब जो एबीवीपी के लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस तमाशे को अंजाम कर रहे हैं। देखिए, आज जो जय श्री राम का नारा एक लगाया जाता है, लगा करके लोगों को मारा जाता है। आप अर्णव जी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब हमारे पहले के जो उग्रवादी थे, पहले के जो पहले के जो आतंकवादी थे, वो अल्लाह हू अकबर करके लोगों को काटते थे, लोगों को मारते थे। आज उसी के तर्ज पे जो है जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को मारा जा रहा है और मारने को जायज ठहराया जा रहा है, इस घटना को जायज ठहराया जा रहा है। तो ये उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल में भेजना चाहिए, लेकिन सरकार भी इसी मंसूबे पे काम कर रही है। सरकार और प्रशासन और ये जो एबीवीपी गुंडे, तीनों मिले हुए हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि एबीवीपी के जो सदस्य हैं, जिसको आप गुंडा कह रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सब चीजों से मिले हुए हैं, भाजपा से और इन जैसे संगठनों से ये लोग मिले, ठीक है, मान लेते मिले हुए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो घटना है वर्धा यूनिवर्सिटी की, ये पहली घटना नहीं है। जी, ये घटनाएं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में, हजारों यूनिवर्सिटी में होती रहती हैं, कोई ना कोई तस्वीर सामने आती, तो इन सब घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगा?
अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बहुजन समाज का ही कोई ना कोई छात्र संक्रमित हो तो मतलब वो इस कब्जे में आता है। तो बहुजन समाज का जो छात्र है वो इन सब चीजों से कैसे बचेगा, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आपको मैं बताऊं कि इन सब चीजों का शिकार जो उस विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखता है वही छात्र होता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं मानता है, जो इनको इनके मतलब पीछे पीछे जो नहीं लगते इनके पीछे चलता है वो इनका शिकार होता है, जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता है। और इसमें ज्यादातर निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लोग ही पीड़ित हैं। तो इससे निजात पाने के लिए यूनिवर्सिटी को नए नियम और कानून बनाने चाहिए। जैसे पिछले दिनों जब रोहित वेमुला का मामला सामने आया था तो रोहित वेमुला एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया गया था लेकिन सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। तो इसी तरह से कई सारे ऐसे एक्ट हैं, ऐसे कानून हैं जो जिन्हें इम्प्लीमेंट करके हम इन सब चीजों से बच सकते हैं और इन सब चीजों से निजात पाने के लिए और सख्ती से कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन सरकार इस पे कोई जो है धनात्मक कार्यवाही नहीं करती है। सरकार खुद चाहती है कि इन लोगों का शोषण हो, इन्हें पढ़ाई से रोका जाए। अब फिर वो रजनीश कुमार अंबेडकर क्यों वहां पे संघर्ष कर रहे थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे, केवल अपने थीसिस के मूल्यांकन की मूल्यांकन को लेकर के आंदोलन कर रहे थे जो कि उनको सही समय पे मिल जाना चाहिए, लेकिन वो चीज उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये एक मनुवादी षड्यंत्र है। वो खुद रजनीश कुमार अंबेडकर खुद कह रहे हैं कि ये जो मनुवादी एक षड्यंत्र बनाया गया है, हमारे थीसिस की जांच नहीं की जा रही है, उसके खिलाफ और जो भेदभाव हो रहा है यूनिवर्सिटी वर्धा यूनिवर्सिटी में, उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। अब इससे चिढ़ किसको हुई? इससे चिढ़ हुई एबीवीपी के लोगों को। अब मेन दिक्कत विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को ही होगी। उनके इशारे पे ये कार्यक्रम वहां पे किया गया, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं है कि विश्वविद्यालय में घुस करके किसी आंदोलनकारी पे या किसी बच्चे को कोई मार दे। सही बात जी। अच्छा मंजेश जी, ये सब जो समस्याएं आती हैं, इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए आपका छात्र संगठन जो ASUR है, असुर है, ये कैसे काम करता है और कैसे बच्चों को जागरूक करने का काम करता है? देखिए, हमारा छात्र संगठन ASUR अंबेडकर राइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस वक्त काम कर रहा है और तमाम महाविद्यालयों में भी काम कर रहा है। इसके तहत हम बच्चों को पहले अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं कि पहले अपने अधिकार जानिए। आपके साथ अगर विश्वविद्यालय में कोई घटना हो रही है, कोई अगर अलग संगठन का या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। आप पहले खुद आवाज उठाइए, उसके बाद आपके साथ जब आप मजबूती से अपने जो है अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे तो लोग आपका साथ और समर्थन देंगे। तो हमारे संगठन के लोग लोगों में यही भावना पैदा करते हैं कि आप पहले खुद खड़ा होइए, अगर शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करिए, लीगली तौर पर उसके खिलाफ खड़े होइए। ठीक है मंजेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बात पे उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी और आपने जायज बातें भी कही। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कभी भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जब से हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। जब से हम लोगों ने यूनिटी बनाई, SC ST OBC के छात्रों को जागरूक किया, इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। अच्छा, अगर जो बाकी के छात्र हैं, जो बहुजन समाज के छात्र हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के, अलग अलग महाविद्यालयों के, अगर ये आपसे जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ सकते? बिल्कुल, हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, ऑनलाइन भी काम कर रहा है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे मेल आईडी पे या फिर हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप अपने विश्वविद्यालय में संगठन को खड़ा करना चाहते हैं तो आप हमसे बात करें, हम खुद वहां पे आकर के संगठन का विस्तार करेंगे, संगठन में से आपको जोड़ेंगे। संगठन से जोड़ने का मतलब यही है कि आप अपने अधिकारों के प्रति खड़े होइए, लड़ाई लड़िए, शोषण के विरुद्ध जो है खड़े होइए। ठीक है मंजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर करते करते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।